जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का संकट भी गहरा होने लगा है। हल्द्वानी के कोयला का जलस्तर कम होने से बैराज से मिलने वाले पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे शहर के आखिरी छोर वाले घरों व ऊंचाई पर स्थित घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। दमू बांगडूंगा बजनिया हल्दू गौजाजाली तल्ली हल्द्वानी इंदिरानगर राजपुरा आदि क्षेत्रों में पानी की सबसे अधिक दिक्कत होती है। बता दें कि इस साल पर्याप्त बारिश न होने के कारण गोला के जलस्तर में अप्रैल से ही काफी गिरावट देखने को मिली है, जिससे पेयजल संकट के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली ने कहा कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पानी के टैंकर नलकूप आदि व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त रखी गई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्तमान में हमारे समस्त नलकूपों से सुचारू रूप से हम लोग जलापूर्ति कर रहे हैं और हमने एक व्यवस्था के लिए जहाँ समस्याग्रस्त क्षेत्र आ रहे हैं 10 विभागीय टैंकर और 2 प्राइवेट टैंकर के माध्यम से भी पेयजल का वितरण कराया जा रहा है। और साथ ही जो नलकूप है उनमें अगर मोटर पंप में खराबी आती है तो स्पेयर पंप की व्यवस्था भी कर ली गई है।